अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस ज़ायद अली ब्लॉग। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। सॉल्व मिस ज़ायरी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरे छोटू को देखेंगे, कोई नहीं करेगा, मिस ग्राम कोई सही से गाइड नहीं करेगा। और ये अनस साहब, अनस क्या कर रहे हो? सैरी कर रहे हैं। अम्मी जी भी हैं, अम्मी जी भी सैरी कर रही हैं। और आज सैरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, पराठे हैं, गोभी गोश है और चाय। बस तो आप जल्दी से सैरी कर लें, भूख लग रही है। अभी आया से मिलवाती हूँ, फ़ोन पे बात कर रहे हैं ज़रा। सो गाइज, अभी आप लोग सबसे पहले टाइम देखें कि 4:15 और है। अभी अभी हम लोगों ने सैरी करी और मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखें, अब्बा जी बच्चों को डांट रहे हैं। हम लोगों ने सैरी कर ली है, यहीं पर बैठ के करी हमने सैरी, और ये अयाज डांट रहे हैं काशान को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारे ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइस, काशान भाई सोए नहीं है, ये अभी सोए, वो भी डांट के। वो कंप्यूटर देखें खुला हुआ ही है, उनको मैं डांट के ये भी उठा हुआ है, ये देखें, ये नाटक कर रहे हैं, उठा हुआ है, देखें नाट, मुँह देखें इनका, मुँह देखें आप, इनको सोना नहीं है, सीधे देखना, ये देखें क्या हुआ, सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही। अभी हम लोग खाना खा रहे थे तो कौन चला रहा था? हमें तुम तो थोड़ा सा ही चलाते हो, टीवी भी थोड़ा सा चलाते हो, मोबाइल भी थोड़ा सा चलाते हो, अभी कंप्यूटर भी थोड़ा सा ही चलाया तुमने। वही क्या? अच्छा, सुबह उठ के चला लेना, अभी सो जाओ, सुबह उठ के चला लेना। कल स्कूल की छुट्टी कराऊंगी मेरे बेटे की, अच्छा अभी मैं दिखवाती हूँ, आओ आओ मैं कंप्यूटर दिखाऊँ, आओ। नहीं अभी क्या थे, अभी सोने दो, सुबह उठोगे फिर चला के दे दूंगा, सही है? आप देर से उठते हो, कंप्यूटर तो कैसे चलाएगा वो? 4 बजे सो रहे हो तो फिर कब उठोगे तुम? हाँ भले थे, अभी सो जाओ। गाइस बेइज्जती हो रही है, मम्मा भी देर से उठती है, आप भी देर से उठते हो, तो सही बात है, कमरा इंगेज रहता है, हम लोग सो रहे होते तो वो बच्चा कैसे कंप्यूटर चलाएगा, आप खुद बताएं। सही बोल रहा है वो बच्चा, मोबाइल नहीं चलाता ही उठ के, मोबाइल कौन चलाता है उठ के, है भाई? गाइज, ये अब्बा बेटों की तो बहसबाजी अब चलती रहेगी, ये मुसलसल बहस करते रहेंगे। और अनस जल्दी से सो जाओ बेटा। और ये अजलान साहब, अभी तक टाइम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये देखें अभी तक सहरी, इनकी तो अभी तक सहरी चल रही है भाई। तो गाइज आए, आने मिया जी सो जाएगा वो। गाइज मैं दिखाती हूँ अभी भी आपको कि कंप्यूटर चल ही रहा है, ये देखिये कंप्यूटर अभी भी ऑन है, ये देखिये कंप्यूटर अभी भी ऑन है, ये भी डाल के भेजा है तो बंद हुआ है, नहीं तो भाई ये चलता रहता, अब नहीं चलाऊंगा। हाँ भाई, तो सही बोल रहा है मेरा बच्चा। और ये देखें मेरा बेटा, इसको बहुत गर्मी, गाइस इसने बहुत अभी दवाइयाँ खाई है गले के चक्कर में, तो मेरे बेटे को बहुत गर्मी लगती है, और क्या था मम्मा एसी ऑन रखो, ये खोल दे यार, एसी में खोलूं अभी और अपने बेटे को सुला दूं, सही है, मतलब सुकून से सुला दूं। वैसे मेरे बच्चे को बड़ी गर्मी लगने लग गई है। तो गाइज अब मिलते हैं थोड़ी देर में, या के उठ के मिलते हैं। मियाँ जी तो अभी कंप्यूटर चलाने बैठे हैं, मतलब अभी हमारा सोने का इरादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नमाज, मैं तो खैर नमाज पढ़कर ही सोऊंगी। तो मियाँ जी आप भी नमाज पढ़ने चले जाइएगा अभी, जब तक मैं आपको अच्छी से एक कप चाय बना दूँ, रोजा खुलने में बंद होने में भी टाइम है, सही है? तो बाय बाय करते हैं आप, फिर मिलते हैं सुबह सुबह, अल्लाह हाफिज। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज कौन से किचन में खड़ी हूँ, आज तो किचन चेंज है, तो चेंज इसलिए है कि मैं आई हूँ आज नीचे अपनी जेठानी के घर पे। मेरी जेठानी ने मुझे आज अफ्तारी पे बुलाया है, मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने कह रहा है रोजा आज हमारे साथ खोलना। सुबह उठते ही उन्होंने मुझे दावत दे दी थी कि इनम भाई रोजा हमारे साथ खोलना है, इन्होंने इसी औरत ने मुझे उठाया सुबह में। तो गाइज अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पर इन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया, कह रही मैक्रोनी तू बनाएगी, मैक्रोनी मेरे हाथ की पसंद है इनको। सारा सामान ला के रखा हुआ है, और ये मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली है, और अब मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। गाइज आप लोगों को पता है मैक्रोनी की रेसिपी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अभी मेरे जेठ बनाएंगे छोले आलू गोलगप्पे, वो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनाएंगे। सामने भी देखिए गोलगप्पे जी, बिल्कुल गोलगप्पे भी बनेंगे गाइज, गोलगप्पे भी बनेंगे आज अफ्तारी में, बड़ा मजा आने वाला है। मेरी जेठानी की तरफ से मेरा रोजा खुश आई है आज मेरी, है ना भाई, रोजा खुश आई है, अभी मेरी रोजा खुश आई है, इनकी रोजा खुश आई है, हाँ मेरी जेठानी करवा रही मेरी रोजा खुश आई, देखें आप। तो गाइज आप लोग खुद देखिएगा कि मेरी सिर्फ मेरी सास से दोस्ती नहीं है, मेरी जेठानी से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और है ना भाई, हूँ मैं आपकी दोस्त। इनके मियाँ जी ने आवाज़ दी, इनके मियाँ जी नहाने गए, इनसे ज्यादा इनके मियाँ जी से मेरी दोस्ती है, वो लड़ते रहते हैं मेरे से। तो गाइज अभी उनके मियाँ जी जब छोले बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल मैं अभी मैक्रोनी रेडी कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मुझे अभी दही फुल्की भी रेडी करनी है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइज
गाइस मैक्रोनी काफी हद तक रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया, चिकन और मसाला दोनों ही बॉयल हो गई है और मैं आपको जो दिखाने वाली थी वो दिखाती हूँ। ये बनाने लगे हैं युवराज भाई आलू छोले, आलू छोले बना रहे हो आप? आलू छोले। अच्छा जी, आते बनाना? क्या क्या करो? जीरा, गरम मसाला सब कुछ डाल दोगे? सालन बना रहे हो तुम? चाट मसाला। गाइस बोलो ऐसी रेसिपी चेक करना था कि गाइस आज छोले कैसे बनेंगे हम आपको चख के बताएंगे। सबसे पहले ये डिश चखूंगी मैं और फिर बताऊंगी कैसी बनी है। वैसे भी कहते हैं मर्दों के हाथ में जायका होता है, तो ये इन्होंने ऑयल में कुटी मिर्चें डाल के गरम कर रहे हैं, उसके बाद मसाले डालेंगे फिर छोले आलू डाल देंगे। गाइस ये देखिए मसाला भून रहा है और फिर ये छोले डालेंगे इसमें। मसाला में आपको अगर आप कमेंट करोगे कि आपने मालूम करना है मसाला क्या क्या डाला है इसमें तो बताएंगे, क्योंकि ये इनके अपने घर के मसाले हैं जो उन्होंने बनाए। सो गाइस आप ये देखिए छोले रेडी हो गए हैं, शिवराज भाई के हाथ के छोले बड़े ज़बरदस्त खट्टे खट्टे बनाए इन्होंने, देखने में ही पता चल रहा है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज कटिंग बारी बारी कटिंग करके डालेंगे। गाइस हमारी काफी हद तक काम निमट गया है, छोले भी बन गए, मैक्रोनी भी बन गई है। मैक्रोनी की शक्ल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैक्रोनी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। पर अभी लगी हुई काम पे, अम्मी वहाँ पे फ्रूट काट रही है और नाते वहाँ पे नाते सुन रहे हैं, देख सकते हैं आप फ्रूट कट रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि रोजे का टाइम हो जाएगा, नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम नीचे आएंगे, दोबारा शरबत वगैरह बना देंगे यार, करवा लेंगे। मैं अपनी जेठानी की थोड़ी सी हेल्प करवा लूँगी, तो आते हैं अभी नीचे, दोबारा ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस असर की नमाज़ भी पढ़ ली है और आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है और मैं थोड़ी देर अभी सो गई थी आधा घंटा, अम्मी जी ने उठाया तो मेरी आँख खुली है। और गाइस ये बनी है आज हमारे घर में मूंग की दाल बनाई है, मुझे बहुत 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 पसंद है और वो सूखी सूखी सी होती है, मुझे बनानी नहीं आती। मैंने अपनी सास से मतलब अम्मी से रेसिपी पूछी तो अम्मी ने थोड़ी हेल्प करी, हम दोनों ने मिलकर कि मुझे बनानी आ जाए इसलिए अम्मी ने मुझसे बनवाई। तो दाल बन चुकी है लेकिन अभी खानी नहीं है, रोज़े के बाद खाना खाएंगे, रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा आपको पता ही है कि नीचे शहजाद भाई ने दावत करी है, शहजाद भाई ने रोज़ा खुलवाया है, तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे। अयाज कह रहे हैं कि खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता, फ्रूट्स वगैरह तो सब कुछ है नीचे, तो कोल्ड ड्रिंक लेते हुए आएँगे अयाज। कोल्ड ड्रिंक जम्बू मैंने ना जम्बू लिया ना ज़्यादा फ्राज तो आप बोले कि बता रही है खैर, लेकिन खैर है आप सब कुछ आपके साथ शेयर करा रहे हैं, मतलब हर बात आपसे शेयर करिए तो ये भी कर लेते हैं। तो अयाज अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे, जब तक मैं नीचे जाऊँ फिर आप एक थोड़ी हेल्प करवा दूँ यार, अच्छा नहीं लगता, लोग बेचारी अकेली लगी हुई है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं। तो गाइस मैं नीचे आई हूँ और आते ही मुझे फरा भाभी ने पकोड़े बनाने के लिए खड़ा कर दिया, तो मैंने कहा चलें जी पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। बेचारी कब से लगी हुई, बहुत सारा काम करा फरा भाभी ने, मैं तो मैक्रोनी बना के ऊपर भाग गई थी लेकिन फरा भाभी कब से लगी हुई, अम्मी और फरा भाभी, तो मुझे छोटा सा काम मिला है फ्राई करने का, तो मैं फ्राई कर लूँ जल्दी जल्दी आलू पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। सो गाइस हमने सारी चीज़ें बना ली हैं, पकोड़े सब कुछ बना लिया, सब रेडी है। अब बारी आई थी गोलगप्पों की, तो गाइस गोलगप्पे तो मैं हैरान हो गई, फरा भाभी को हम सब सलाम कर रहे हैं कि फरा भाभी लाए, और हम समझ रहे हैं पापड़ की तरह तले जाएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं जब ये फ्राई होंगे तो ये क्या बनने वाले हैं। गाइस ये देखें, हम समझ रहे हैं ऐसी पापड़ बनेंगे, बस इनके साथ कुछ होना नहीं है बेचारे ये गरीब से, लेकिन इन लोगों ने तो दिल खुश कर दिया। गाइस ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बड़े होते जा रहे भाई, मैजिकल गोलगप्पे, जादू ही गोलगप्पे, खुद ही बड़े होते हैं। गाइस ये देखें, हम सब खुश हो गए ये देख के, क्योंकि बाहर खाने के लिए जाओ ना तो 200 रुपए की छह दे रहे हैं वो। गाइस ये गोलगप्पे देख सकते हो आप, हैं जबरदस्त चीज, आप लोग भी लाए, मैं डब्बा दिखाती हूँ, उसका डब्बा कांगे फेंक दिया, डब्बा डब्बा डब्बा। गाइस ये देखें, ये डब्बा है पानी पूरी, हम इनकी प्रमोशन कर रहे हैं, आप देखे गोलगप्पा 40 पीस है इसमें, 40 पेमेंट तो पकड़ लेते हैं इनसे, तुम मशहूरी कर रहे हो, नहीं किसी का कभी कभी भला कर देना चाहिए। तो गाइस ये देखें आप पानी पूरी, और इसके साथ पानी का मसाला भी आया है, 1 लीटर पानी में आप पानी बना सकते हैं, पानी हो रहा पानी भी सही होना, खुशबू आ रही है, हाँ खट्टा खट्टा पानी होगा यकीनन ये, क्योंकि खुशबू बहुत खट्टी खट्टी वाली आ रही है। थोड़ी सी मेरी बदौलत भी है ये, थोड़ी सी नहीं इन्हीं की बदौलत ही यही लाई है हमने, बोला मैं तो अभी डांट रही मतलब फरा तो पैसे बर्बाद कर कर आ गई है गोलगप्पे के चक्कर में, लेकिन ये जब बने तो यार जबरदस्त, थैंक यू फरा भाभी। अबे अटना हो गया, अबे
पानी सही नहीं है। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। तो गाइस हमारा दस्तरखान लग गया है और मैं आपको दिखाती जाती हूँ क्या क्या है दस्तरखान में। फ्रूट, गोलगप्पे, ढाई फुल्की, पापड़, पकौड़े, छोले और वहाँ तक माशाल्लाह पूरा दस्तरखान लगा हुआ है। क्या सोच के आपने हमारी इफ्तार पार्टी करी है? गरीबों को बुला लूं, बुरे ने बुलाया नहीं। बिल्कुल पूरा रमजान आपको ईद तक ताने मारती रहती है। इतना नहीं हुआ कि मेरा रोजा खुलवा दो, एक मैं नहीं खुलवा रही तो क्या हुआ? तुम्हें तो खुलवाना चाहिए था मेरा रोजा। मैंने ये सोचा मैंने ना गरीबों को खुलवा दूं। हाँ, हम मुस्तहिकों को रोजा खुलवाया इन्होंने, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो गाइस हम लोग रोजा खोल लेते हैं और ये सब बैठे हुए देखे माशाल्लाह हमारे घर पे बड़ा रौनक हो रही है, रश हो रहा है। सो गाइस देखो आपने आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमेशा की तरह। तो आज तो उन्होंने बड़ा काम करा है, नीचे जाके है, तबीयत भी डाउन हो गई थी, आगे सो गई। मैंने चलो यार मैं मोबाइल चला रहा हूँ, दूसरे कमरे में चले जाऊँ, मैं इधर आया हूँ, ये उठ के इधर आ गई। मैंने बोला किसी लड़की से तो बातें नहीं कर रहे, आगे चेक करूँ। और गाइस एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा, उमेर अली, वो मेरा दोस्त है यार माइकल। तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाया था क्योंकि मैं था नहीं कराची में, कराची होते तो हम लोग लाजमी आते। उसका भांजा है उमेर। उमेर थैंक यू सो मच यार, आप इतना इतना सपोर्ट करते हो, इतना लाइक करते हो, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई को। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपने कुछ बोलना? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी थैंक यू माई ऑल सब्सक्राइबर, लव यू दिल से। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करो, बहुत अच्छा सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना मैं सपना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल बहुत सारी मस्तियों के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, ऐसे ही हमेशा दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।